तो कोरोना से बचाव का फिलहाल तरीका है वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन की चाहत में कहीं आप कोरोना की चपेट में ना आ जाए। रांची के अशोक नगर स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के दौरान असामाजिक तत्वों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बस सलूकी की। बिना नाम और एज लिमिट के वैक्सीन की मांग कर अक्सर ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं कोरोना योद्धाओं के हौसलों को पस्त करती है, बता रहे हैं सहयोगी सत्यवर्त। पहले जब कोरोना के महामारी की संक्रमण की दस्तक अपने राज्य में हुई थी, तब से लगातार अपने घर परिवार से दूर कोरोना के ऐसे योद्धा जो कि इस लड़ाई में पहली पंक्ति पर खड़े थे, उनके बदौलत ही हमने कोरोना के महामारी की पहली लड़ाई जीती। और अब एक बार जहां फिर राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, उन्हीं कोरोना योद्धाओं यानी कि स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्स और अस्पताल कर्मियों के बदौलत हम लगातार इस महामारी से लोहा ले रहे हैं। वैक्सीन एक्चुअली में लेट से आया था और अशोक नगर का प्लान ही नहीं था। अशोक नगर में वैक्सीनेशन होना है, वो प्लान हम लोग को एक दिन पहले डाला जाता है। सुबह से आए हुए थे तो कुछ बुजुर्ग थी जो 80 प्लस में थी, वो लोग लगातार बैठे, जो 12-13 बैठी हुई थी 80 प्लस में, 70 प्लस में, उन लोग को हम इधर बैठा करके गए थे डिस्टेंसिंग के साथ। आते के साथ रजिस्ट्रेशन वाले भी लेट से आए हुए थे, तो उनको हम बोल रहे हैं बार बार कि 10 मिनट लगेगा, वैक्सीन आ जा रहा है, आने दीजिए, देंगे। आते के साथ 85 प्लस वाले जितने थे उनको पहले हम वैक्सीन दिए हैं, सबका आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिए हैं। आने के बाद उनको रजिस्टर, उतने ही में ये स्थिति हो गई कि हर कोई बोल रहा है इन्हीं को मारो खींचो। कोई बीजेपी के भी थे, वो हम तो उनको पहचानते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे समर्थन। हम लोग को तो पहले सुरक्षा चाहिए, वही सुनने को तैयार नहीं। 25-30 साल के लड़के हैं, हमको वैक्सीन चाहिए क्यों दे, हमारे हमको गाइडलाइन मिला हुआ है 45 से भर, और 45 से अगर 4 मंथ भी अगर किसी का कम है, 4 दिन भी कम है, सिस्टम नहीं लेते। दिक्कत होता है लोगों को समझाते हैं लोग, बहुत सिर दर्द होने लगता है सर, सिर दर्द होने लगता है, इतना लड़ाई झगड़ा करता है हम लोग से बहुत। कल लड़ाई हुआ था, क्या हुआ था कल? कुछ बात नहीं, थोड़ा सा देरी से दवा आया उसके चलते। जी जी बिल्कुल, आप समझिए सुरक्षा कर्मी है, बावजूद उनके डर के साये में वैसे स्वास्थ्य कर्मियों को काम करना पड़ रहा है जो कि लगातार पिछले एक साल से इस महामारी में लड़ रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, अपने घर परिवार के लोगों से दूर हैं। लेकिन कुछ असामाजिक लोगों के कारण रांची के शहरी क्षेत्र का अशोक नगर स्वास्थ्य केंद्र जो है वो डर के साये में वैक्सीनेशन देने को मजबूर है। सहयोगी नवल के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची।